हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। फीलिंग स्लाइटली बेटर बट नॉट इंटायरली ओके। बट एनीवेज, बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत सारे कमेंट्स आए, जिसके अंदर मेरे रिव्यू के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अंतिम को लेके और फिर सत्यमेव जयते को भी लेके। सारे के सारे कमेंट्स अच्छे बुरे तो नहीं थे, बट कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जिसकी क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। नॉट दैट उन्होंने मेरे किसी रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन उठाया, बट वो मूवी के ऊपर ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ वीडियो बनाता हूँ, पर मुझे कुछ नहीं पता कि आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। बट लेट्स से अगर हमें ये कंपैरिजन करना हो कि ये दो मूवीज में से सबसे बेहतरीन मूवी कौन सी है, पहला जो सवाल सबके मन में है, दूसरा इसको देखे कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग थिएटर्स में नहीं जा पा रहे, ये OTT के ऊपर कब रिलीज होने वाली है, तीसरा सवाल है एक्टिंग कैसी थी, ये चौथा सवाल है, पांचवा ये सवाल है कि भैया स्पेसिफिकली सलमान खान के बारे में बताइए, क्योंकि काफी टाइम से उनकी कोई एक स्टैंड अलोन बहुत बड़ी, जिसे कहते ना इम्पैक्टफुल मूवी नहीं आई है जिसमें हम सलमान खान को एज अ एक्टर पसंद कर पाए और उनका जो ऑरा है एकदम सिटी मार हो जाए और एक्टर भी छोड़ो स्वैग ही दिख जाए। ठीक है जी, ये सब चीजें यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं लार्जली। और तो कुछ नहीं पूछा ना आपने मुझसे, हाँ मोटा मोटा ये। तो देखो, सबसे पहले तो जिन जिन को ये मूवी जो नहीं देख पाए हैं, पहले तो वो इंस्टाग्राम पे आ जाए, कुछ देखते हैं, आपकी मदद करते हैं। इंस्टाग्राम में मूवी शूवी है मेरा आईडी। दूसरा ये है कि पहले बात करते हैं सत्यमेव जयते की। देखो, सत्यमेव जयते जो मूवी है वो कम्प्लीटली आर्टिफिशियल मूवी है, ओके। बट आर्टिफिशियल होने के बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार है, ओके। बहुत सारे लोगों ने इसको रिडिक्यूल किया और बोला बिल्कुल डब्बा मूवी है, और मेरे ख्याल से बिजनेस जो है इसका कुछ खास गया भी नहीं है। अब मैंने ये बोला कि मुझे अच्छी लगी है, और मैंने ये इसलिए बोला कि मुझे ये अच्छी इसलिए लगी है क्योंकि जब मैं हॉल के अंदर पहला कदम रख रहा था ना, तो मेरे ख्याल से मैंने इसको कर दिया था ऑफ, और मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसे इलॉजिकल मूवी को देखने जा रहा हूँ कि जिससे ना मेरा ये सारा मतलब खाली हो जाए, और मेरे को अगर हर सीन के अंदर कुछ अच्छा सा इमोशन ट्रिगर हो जाए तो वो। अब डाउन साइड इसका ये था कि इसके अंदर इमोशन और एक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन एक एक्ट, दूसरा एक्ट, तीसरा एक्ट, चौथा एक्ट, और इसके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी इसकी कमी थी, ओके। बट एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, बहुत सारे रोल निभाए हैं जॉन इब्राहिम ने, और बहुत इम्पैक्टफुली सारे निभाए हैं। बहुत सारे डायलॉग्स में उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी गीली होती हैं, तो एज एन एक्टर, एज ए पर्सन हु इज फुल ऑफ दैट जज्बा दैट विल एंड करप्शन एंड सम रॉ ब्रूटल एक्शन, आई लाइक इट, ओके। अब बहुत से लोगों के लिए वो मूवी काम नहीं करी, फेयर एनफ यार, हम वी बोथ कैन अग्री टू डिसएग्री। ऐसा तो है नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो आपको भी अच्छा लगे, मेरे अपने रीजंस हो सकते हैं। एक जमाना था जब गोविंदा की मूवी के लिए ऐसे कहा जाता था यार इसकी कौन मूवी देखेगा, इसकी कौन मूवी देखेगा। फिर एक दो मूवी चल गई उसकी, सोलो और शबनम टाइगर, यार आप ठीक है यार, ये कॉमेडी ठीक कर रहा है यार, आंखें आ गई थोड़ी, कॉमेडी ठीक कर रहा है, अब देख लेते हैं। अब हमें शर्म नहीं आ रही है इसको अच्छा बोलने के लिए, क्योंकि सब लोग अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं भेड़ चाल में जाता नहीं हूँ, जब चीज मुझे जिस वजह से पसंद आ जाती है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को यह लगा कि ये मूवी के अंदर मुझे टोटल स्विच ऑफ करना है, और कुछ ऐसी मेमोरेबल चीजें जो 80s में हुआ करती थी उसकी ग्लिम्सेस देखनी है। मनमोहन देसाई जिस तरीके की मूवीज बनाया करते थे, उसके अंदर कहीं का सीन कहीं पर भी जंप हो जाता था, क्योंकि बहुत सारे हीरो हुआ करते थे, तो इस वजह से मुझे ठीक लगी थी ये मूवी। अब चलते हैं, बात करते हैं अंतिम की, और अंतिम में सवाल आता है कि अंतिम मूवी कैसी है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अंतिम की जिस तरीके से स्टोरी पैन आउट होती है, इसके अंदर सत्यमेव जयते वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो कंटिन्यूटी ऑफ स्टोरी काफी ज्यादा है। बट ये जरूर है कि स्टोरी शुरू कहीं से होती है और कहां जाके एंड होती है, वो शुरू फार्मर के मुद्दे से शुरू होती है और खत्म हो जाती है वास्तव बन के। जो लास्ट का सीन भी है, आई एम श्योर मूवी लोगों ने देख ली होगी, तो एक आधा स्पॉइलर अगर मेरे मुंह से निकल जाता है सॉरी फॉर दैट। जो एंड भी होता है राहुल के साथ जो होता है, वो बिल्कुल वास्तव के तरीके का ही है, ऑलमोस्ट नॉट एंटायरली बट ऑलमोस्ट जो एंड रिजल्ट निकलता है। और यहाँ पर बहुत से लोग फिर से सवाल पूछते हैं कि पाजी कर गया हुआ, पाजी मतलब जो सरदार जी यहाँ बने हुए हैं अपने सलमान खान का जो यहाँ पर रोल है बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ रोल है, और इस तरीके का रोल है जो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू एंड व्हेन टू रिस्पेक्ट लॉ एंड व्हेन टू ब्रेक लॉ, ओके, फॉर द गुड ऑफ द पीपल, नॉट दैट उसका मन कर रहा है। और फिर बात एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करनी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है कि ये स्टोरी की जो गहराई है वो कितनी ज़्यादा है। देखो, गहराई इस तरीके से ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि जो मुद्दा उठाया गया था फार्मर्स के ऊपर का वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ एंड तक भी, वो बीच में ही रह गया, वो एक गैंगस्टर मूवी बन गई और उसका कुछ रिजॉल्व नहीं निकला, वो एक इसका डाउन साइड आप पकड़ लीजिए। बट इसके अंदर जो शाइनिंग चीज़ है वो मेरे ख्याल से सलमान खान से भी ज़्यादा, जो मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था,
वो आयुष शर्मा है यार। आयुष शर्मा से मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा थंबनेल का भी था आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एंड आई मेंट आयुष शर्मा बिकॉज आयुष शर्मा मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी ठीक ठाक एक्टिंग कर सकता है भाई। हालांकि थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल था जितने भी सीन सलमान खान के साथ थे, ऑब्वियसली जो उनका पर्सनल रिलेशनशिप है और सलमान खान का जो स्वैग है, स्क्रीन प्रेजेंस है, वो थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो दोनों मूवीज अपने अपने साइड में ठीक ठाक हैं। अगर आप बोले कि एक मैं स्टोरी देखने गया था तो स्टोरी में जो स्क्रीन प्ले होता है, कंक्लूजन होता है, राइटफुली होता है, वो थोड़ा बेटर है मैं बोलूँगा अंतिम द फाइनल ट्रूथ के अंदर। सत्यमेव जयते में आप ऐसे देखोगे कि आपके पास तीन हल्क हैं, अब तीन हल्क तबाही मचा रहे हैं, ठीक है। अब तीनों के अपने अपने एक्ट्स हैं, उन एक्ट्स को अगर आप इन्जॉय कर सकते हैं तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है। अदरवाइज जैसे मैंने अपने उसमें भी बोला था, रिव्यू में भी बोला था, तो आप अगर आपको ये चीज़ नहीं आप कर पाए अपने दिमाग में, वो ब्रैकेटिंग नहीं कर पाए, तो आप इंटरवल में उठ के आ जाओगे। आप यू गो बैक एंड सी माई रिव्यू अगेन, मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों रिव्यू डाल दूंगा। तो मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ बोली थी और अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी यही बोला कि मुझे नहीं पता मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, तो शायद मेरे दिमाग में कंसिस्टेंसी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी वजह से ये सारी चीज़ें मेमोरीज भी वापस आ रही है। अगर आपको ये चॉइस लेनी हो कि आपको कौन सी मूवी देख लेनी चाहिए, अगर आपको इसमें से एक देखनी है तो आप कौन सी मूवी देख सकते हैं, वो है अंतिम द फाइनल ट्रूथ। इट्स अ बेटर मूवी देन सत्यमेव जयते फॉर श्योर। एंड सत्यमेव जयते सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जो कार्टून मूवी टाइप देखना चाहते हैं, मतलब हल्क जस्ट स्मैश और मतलब कुछ भी हो रहा है, गाड़ी में से वो भी निकल रहा है, लेकिन मज़ेदार इम्पैक्टफुल तरीके से हो रहा है, जितना भी हो रहा है पार्ट्स में हो रहा है लेकिन इम्पैक्टफुल तरीके से हो रहा है, इस वजह से आपको पसंद आएगी। फाइनल स्कोरिंग अगर करनी पड़े दोनों के बीच में, एंड ये कंपेरेटिव स्कोर है, ओके, तो मेरा मूवी जो भी स्कोर अंतिम के लिए रहेगा B+। एंड फॉर अगर मैं सिर्फ इसके मेरिट कंप्लीट आउटलुक पे जाऊँ और मैं ये नहीं बोलूँ कि मुझे क्या पसंद है पार्ट्स एंड पार्ट्स में, तो फिर उसका स्कोर रहेगा C। अदरवाइज अगर मैं स्टैंड अलोन बोलूँ कि मैं सत्यमेव जयते 2 देखूँ और मैं सिर्फ यही इन्जॉय करने गया था कि ब्रैकेटिंग में मुझे ये पार्ट अच्छा लग गया, ये एक्ट अच्छा लग गया, ये मारवटाई अच्छी लग गई, तो फिर मैं इसको B+ दूंगा। और जाने से पहले दो और सवालों के मैं आंसर दे देता हूँ कि क्या ये सलमान खान की वन ऑफ द बेटर मूवीज है ऑफ लेट, और रेस 3 के बाद जो लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे चला गया है वो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है सलमान खान जी से, देखो ये जो थोड़ा सा प्लास्टिकी टाइप बॉडी का जो आपका मजाक उड़ रहा है वो जेन्युइनली उड़ रहा है, हम आपको हर बारी सिक्स पैक्स में नहीं देखना चाहते, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। और आप ये भी देखेंगे सनी देओल भाई साहब जो है उनका डर आज तक है, उन्होंने तो कोई सिक्स पैक्स नहीं बनाए हुए, तो वी लाइक यू द वे यू आर। आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये सिक्स पैक्स जो है थोड़े से आर्टिफिशियली बनाने, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लग रहे हैं, बिकॉज इफ यू कंपेयर हाउ ही लुक्स एज कम्पेयर टू द नेचुरल बॉडी ऑफ आयुष और इवन जॉन इब्राहिम, वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल लग रही है इसीलिए लोग बोल रहे हैं। बट अदरवाइज एक्टिंग वाइज, स्वैग वाइज, कंट्रोल्ड एक्टिंग, स्पेसिफिकली थिंकिंग आर्टिस्ट, उस तरीके की अगर बात करें तो वेरी गुड जॉब डन। थोड़ा अलग है, मज़ा आया ये रोल देख के, ऐसे ही रोल में हम उनको पसंद करते हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे रोल वो और करें। फिर बात कर लेते हैं कि जी OTT के ऊपर कब आने वाली। देखो सत्यमेव जयते का तो मैंने आपको बताया था कि 31st December को आपको Amazon Prime Video पे देखने को मिल सकती है, या मैक्सिमम 1st week of January में आपको देखने को मिल जाएगी। पुरानी डेट जो इसकी थी वो 26 जनवरी थी 2022, वो तो नहीं होगी, पहले ही आ जाएगी, क्योंकि मूवी जो है टिकट काउंटर पर ज़्यादा कुछ धमाल कर नहीं रही है, तो पहले ही आ जाएगी। जो अंतिम है इट इज़ डूइंग मच बेटर, और टिपिकली वो 30 से 45 दिन का टाइम टेन्योर होता है, तो OTT के ऊपर अगर हम 30 दिन के बाद लगाएं तो 1st week of January में आपको दिखनी चाहिए। और अगर ये मूवी जेन्युइनली 2nd week में अच्छा कर देती है तो मेरे हिसाब से इसको 15th of January में आना चाहिए, बट वो डेट अच्छी नहीं है इसको, फिर देन दे शुड लॉन्च इट ड्यूरिंग स्लाइटली लेट, विच आई मीन टू से अराउंड 26th of January में करना चाहिए। मेरी मन की इच्छा है कि उस टाइम पे आए, ताकि और थोड़ा वाइडर ऑडियंस हो जाता है, थोड़ा छुट्टी वुट्टी का माहौल होता है, तो लोग देखना चाहते हैं परिवार के साथ कि क्या क्या देखें। अदरवाइज जो ऑर्गेनिक इसकी डेट बनती है वो 15th of January के आसपास बनती है। लेट्स से अगर और अपडेट कोई आती है तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये आएगी Z5 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मिलते हैं एक और रिव्यू एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। बाय बाय।